गलत लोन बांटने के बीच अब केसीसीबी कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के मुलाजिमों से पिछले साल दिए गए बोनस में से 42% वापस लिया जा रहा है। 1200 क्लर्क से लेकर अफसरों तक को वर्ष 2017 में 4.5 करोड़ रुपए बोनस के तौर पर एक्स ग्रेसिया दिया गया था, जिसमें से 1.92 करोड़ रुपए के बोनस की बैंक प्रबंधक ने रिकवरी के लिए कर्मचारियों को नोटिस भेजे हैं। अफसरों कर्मियों से रिकवरी उनकी तनख्वाह में से 5 किस्तों में होगी। बैंक प्रबंधन ने ऑफिसरों कर्मियों को भेजे नोटिस में लिखा है कि ऑडिट रिपोर्ट में पिछले वर्ष गणना की गलती से ज्यादा बोनस देने की बात सामने आई है। बोनस नेट प्रॉफिट के बजाय ग्रॉस प्रॉफिट पर 42% ज्यादा चला गया है। अब तनख्वाह में 5 किस्तों में प्रति माह रिकवरी होगी। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक MD KK करोच ने बताया कि कर्मचारियों को बोनस बैंक के नेट प्रॉफिट पर देना, लेकिन पिछले वर्ष एक्स ग्रेसिया ग्रॉस प्रॉफिट पर दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट में इस गड़बड़ी का पता चला, इसके बाद रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के निर्देश मिलने के बाद अब कर्मचारियों से ज्यादा दिए गए प्रॉफिट को रिकवर किया जा रहा है। इसमें देखिए ऐसा है कि KCC बैंक में ऑडिट किया जाता है, जो कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के आदेश से होता है। अब ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ये पाया गया कि जो ये दिया गया था एक्स ग्रेसिया बोनस, तो इसमें ग्रॉस जो प्रॉफिट था उसमें से दे दिया गया, जबकि ये नेट प्रॉफिट में से दिया जाना था। तो अब वो इनके द्वारा जब पॉइंट आउट किया गया तो उसकी फिर आगे रिपोर्टिंग रजिस्ट्रार साहब को होती है, और फिर उनके आदेश हैं कि फिर ये जो एक तरह से जो ओवर एंड अबव चला गया उसको फिर रिकवर किया जाना है। ये उसी तरह से है जैसे कि किसी भी कार्यालय में सामान्य ऑडिट होता है, और उसमें यदि कोई पाया जाता है कि कोई भुगतान अधिक हो गया है तो उसको वापस लिया जाता है और ऑडिट वगैरह को सेटल किया जाता है। ये उसी तरह का एक मामला है। थैंक यू सर। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष शरद रलखान ने कहा कि बैंक प्रबंधक शुरू से ही ग्रॉस प्रॉफिट के तहत एक्स ग्रेसिया कर्मचारियों को देता आया है। उन्होंने कहा कि नेट प्रॉफिट पर बोनस देने से कर्मचारियों को डबल टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बोनस हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट पर दिया जाता है और कर्मचारियों से रिकवरी गलत है। उन्होंने कहा कि शायद यह हिंदुस्तान में पहला उदाहरण होगा जहां पर दिया हुआ एक्स ग्रेसिया और बोनस वापस लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनको दिए गए बोनस को प्रबंधन तनख्वाह से कैसे काट सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आपने बोनस के तौर पर कोई गलत चीज दी है तो वो बोनस से ही रिकवर होगी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इसके लिए उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा तो वो कोर्ट का सहारा भी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। सर, ऐसा था भी पिछले काफी सालों से, जब से बैंक ऑपरेशन में आया, इम्प्लॉइज को प्रॉफिट के ऊपर हम लोग प्रॉफिट का 10% जो है वो बोनस और एक्स ग्रेसिया के तौर पे हर साल देते थे, और वो ग्रॉस प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, ताकि क्योंकि जो टैक्सेशन होती है इनकम टैक्स की, वो सिंगल हेड एक ही आदमी लेता है, या तो उसका बैंक दे दे या इम्प्लॉइज दे दे। तो बैंक क्या करता था, अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से वो पैसा निकाल के इम्प्लॉइज को देता था, और इम्प्लॉइज अपनी स्लैब के हिसाब से उसका टैक्स पे करते थे। इस बार पता नहीं कैसा इन्होंने अंकेक्षण किया, ऑडिट किया, और ये लगाया कि पहले बैंक उसके ऊपर टैक्स पे करे, उसमें से नेट प्रॉफिट निकाल के एम्प्लॉइज को दे, और एम्प्लॉइज उसके ऊपर अलग से टैक्स पे करे। तो ये डबल टैक्सेशन का इश्यू बन रहा है। इन्होंने उस हिसाब से ये निकाला भी आप नेट प्रॉफिट पे दो, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट पे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इश्यू ये है कि डबल टैक्सेशन का इश्यू आ रहा है, और ये चीज हो नहीं सकती। हमेशा ये जो प्रोविजन आप एम्प्लॉइज को देते हो ये ग्रॉस प्रॉफिट में से जाता है, और सिंस टाइम इमेमोरियल पीछे से ही ये ग्रॉस प्रॉफिट पे देते रहे हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और फर्स्ट टाइम इन्होंने हम पे रिकवरी डाली है। और ये अगर नई सरकार में ये चीज हो रही है तो हमें एम्प्लॉइज इससे बिल्कुल खिन्न है। सरकार लोगों को एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स देने की बात कर रही है, और हमारे आज बेनिफिट्स लिए जा रहे हैं जो पिछली सरकारों में हमें मिलते रहे, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हमारी बैंक प्रबंधन से ये रिक्वेस्ट है भाई इस चीज को देखें और इस चीज का निष्पादन प्रॉपर तरीके से करें। ऐसे नहीं ये चलेगा भी एम्प्लॉइज को एक बार दिया हुआ, पिछली सरकार में अगर कुछ हमें मिला हुआ है तो उसको वापस ले लिया जाए। ये शायद हिंदुस्तान में पहला इंस्टेंस होगा जहां पे दिया हुआ एक्स ग्रेसिया और बोनस वापस लिया जा रहा है। मोरओवर, अगर रिकवरी होती है सर, अगर कोई रिकवरी भी है तो आप सैलरी में से कैसे काट सकते हैं? आपने बोनस के तौर पर कोई चीज गलत दी है, वो बोनस से ही रिकवर होगी। सैलरी से तो इम्प्लॉई हर महीने काम करता है, उसका पैसा उसे मिलता है, आप उसमें से सैलरी कभी भी गलत नहीं गई है किसी भी को, तो सैलरी से जो डिडक्शन है वो रॉन्ग है। और ये यूनियन सब इम्प्लॉइज की तरफ से, 1225 इम्प्लॉइज की तरफ से इसका विरोध करती है, और हर प्लेटफॉर्म पे इस मुद्दे को उठाया जाएगा और इसके अगेंस्ट वॉइस उठेंगे।
अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आपका क्या स्टेप रहेगा? सर उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हमें अगर कोर्ट का रास्ता भी होगा तो हम वो भी देखेंगे, पर लेकिन इस मुद्दे को हम अधर में नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच सर।